बेटी बचाओ पर्यावरण बचाओ पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई। जनपद मैनपुरी के सर्किट हाउस में 2 दिवसीय पोस्टर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी श्री मैनपुरी प्रदीप कुमार द्वारा किया गया। इस पोस्टर प्रदर्शनी को श्री हीरालाल द्वारा लगाया गया, जिसका उद्देश्य समाज में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को जागृत करना है। समाज दूषित हो रहा है, बेटियों की हत्या हो रही है जिनके जीवन को बचाना है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जंगल समाप्त हो रहे हैं, वृक्षारोपण की आवश्यकता, इससे हमारे समाज को सहयोग चाहिए, अन्यथा हमारी पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। देश के सैनिकों की चिंता करते हुए सन 1971 से पाकिस्तान की जेल में बंद सैनिकों की रिहाई के लिए प्रयास करने की बात कही। हीरालाल जी ने इस प्रदर्शनी को अपनी यात्रा के 2006 से मैंने लगाना शुरू किया, देश भर में विदेश में भी हमारी सूचने लगा। इसके लिए मैं विदेश भी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में गया था लेकिन नहीं मिल पाया। देश भर के फाइन आर्ट में जाके इकट्ठा किया हूँ। विदेश में मॉरिशस में लगी है प्रदर्शनी, बाकी देश में 250 के ऊपर लगी है। संवेदना जागृति अभियान की ज़रूरत है। संवेदना मरती जा रही है, सुसूत होती जा रही है, लोग अपने आप को सोच रहे हैं, सेल्फीस हो गए, इस नाते ज़्यादा फोटो सेल्फी में ले रहे हैं। तो इसमें एक एक आपके जो इधर के पोस्टर देखें तो इधर बेटियों के विषय में है जो बेटियों को मारा जाता है, इधर के पोस्टर देखें तो 71 के भारत के सैनिक जो लड़ाई में लड़े, बहुत सारे सैनिक बंद हैं पाकिस्तान जेलों में, उसका सबूत है, वो पीड़ा वेदना है। इधर के नीचे के पोस्टर आतंकवाद पर है, ये हम जहाँ खड़े हुए दिखा रहे हैं, ये पोस्टर ग्लोबल वार्मिंग पर है। हम सोच नहीं रहे कि हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, वो कैसे सांसें लेंगे, जंगल खत्म हो जा रहे हैं, जानवर गांव में घुस जा रहे हैं, तो कहाँ रहेंगे। संतुलन असंतुलित हो चुका है, इस नाते हर व्यक्ति को जागृत होकर के साफ सफाई और हरियाली के लिए मेहनत करना होगा, संवेदना को जगाना होगा, संवेदना जीवित रहनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को इस पर काम करे, तो अब तब जाके क्राइम कम होंगे। इस तरह से मैं मतलब कहना चाहते हैं कि चाहते समय करना कोई नहीं चाहता। हाँ, आप आगे बढ़िए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं DM मैनपुरी प्रदीप कुमार जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत चंद लोग ऐसे मिले हैं पूरी दुनिया में, देश विदेश में, जिनको मैं बहुत याद करता हूँ, जैसे विदेश यात्रा में हमारे